तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। घूंघटा ना खोल बरसात में, क्या करूं गाइस, कल से मेरा टेम्परेचर जो है एकदम हाई लेवल पर चढ़ गया है। पता है क्यों? इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी गर्मी, हाय, मैं तो रात को इनके पास जाके सोई थी। ये मेरा पैर दबाती थी तब भी मैं नहीं सोती थी, लेकिन सोचिए कल मैं खुद से चल के गई इनके पास सोने के लिए छत पे। देख रहे हैं अभी से पैर भी शुरू। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, कल मेरे घर पे लाइट जो है ख़राब हो गया था। मेरी लाइट नहीं, समझ लीजिए मैं ख़राब हो गई थी। आने दो, मेरे गाइस से इम्पोर्टेंट फोन थोड़ी है कि नहीं। आई लव यू, आप सबसे इसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके लिए कुछ भी कट कर दो जिसका भी फोन है। तो गाइस एक बात और कहना चाहूँगी, फ़ोन का जिक्र हुआ तो मुझे याद आ गया, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कॉल करते हैं तो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी से बातें करती चलूँ, है कि नहीं। तो लोगों को जो है समझना चाहिए कि मुझे भी बहुत काम होते हैं। ऑलरेडी मैं 2-3 घंटे वीडियो बनाने में देती हूँ, उसके बाद मुझे सिलाई का काम होता है, ब्यूटी पार्लर का काम होता है, घर का सारा काम होता है। एक अकेला बेचारा नन्हा सा जान कितना कितना काम करे, है कि नहीं। तो प्लीज कसम से रो देगी, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरी तकलीफों को समझें और मुझे बार बार कॉल और मैसेज ना करें। किंतु परंतु अपना जो है क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। कुल मिला के यही कि फालतू में कॉल मत किया कीजिए, आप सबसे बहुत प्यार करते तो उसका फ़ायदा क्यों उठाते हैं आप लोग। ऐसे सब लोग नहीं हैं, मैक्सिमम थोड़े ही लोग कॉल करते हैं, बट ऐसे आप ही लोग बताएं, ऐसे अनजान से मैं क्या बातें करूं, किससे फ़ोन उठा के, और फिर कितने कॉल उठाऊं, बहुत सारे कॉल आते हैं, ओह मम्मा, तो मुझे किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता ना। आप सबसे बातें करने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रही हूँ, है कि नहीं। लेकिन कॉल पे मैं किससे क्या बातें करूँ, वैसे भी एक कॉल उठा लिया था तो मेरा झगड़ा हो गया था, तब से मैं कॉल ही नहीं उठाती हूँ, गलती से उठा लिया था, तब से ऐसे कान पकड़ अब नहीं उठाएंगे क्योंकि क्योंकि अभी क्या बताऊँ गाइस, जाने दीजिए। बस आप लोग